न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दलित समाज के भीतर जो उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनके मुतल्लिक, 2019 के जो चुनाव आ रहे हैं उसके मुतल्लिक, क्या समझ बन पा रही है, क्या चुनौतियां उनके सामने हैं। इन बात पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, जो मेरठ में प्रोफेसर हैं फिज़िक्स के जी। वैसे तो फिज़िक्स पढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ दलित चिंतन पर न केवल चिंतक हैं लेकिन ऑर्गेनाइज़र और एक्टिविस्ट भी हैं और इनकी खास भूमिका रही है। आपका स्वागत है न्यूज़ क्लिक में डॉक्टर साहब। हम सबसे पहले शुरू करेंगे बात आपसे भीमा कोरेगांव की घटना से। सबसे पहले जो घटना घटी है वो 1 जनवरी को, उसके बाद उस दौरान क्या हुआ, जिस तरह का एक वातावरण बना था भीमा कोरेगांव के आंदोलन को लेकर उसकी याद में इस साल, क्योंकि 200 वर्ष थे, और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में आप डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे हमें? नहीं देखो, ऐसा है ना कि भीमा कोरेगांव में जो सेलिब्रेशन है वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हो रहा है, वो वर्षों से वो कार्यक्रम हो रहा है और बाकायदा बाबा साहब भी उस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं, दलित उसको सेलिब्रेट करते रहे हैं। लोगों में क्या हुआ है कि ये बड़ी सोची समझी राजनीति है कि आजकल दलित मूवमेंट को या तो हिंसक रूप दे दो या दलितों की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। आज ये आपके सामने बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहना पड़ रहा है कि उसमें जिन लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज कराया उनसे उनकी जान को खतरा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो दलित मूवमेंट है, जो अपनी राजनीतिक ताकत है, जो सामाजिक ताकत है, उसको बढ़ा रहा है और बीजेपी जो है उसको कम करना चाहती है, स्पेशली जो आपका आरएसएस है। एक चीज़ बताइए कि भीमा कोरेगांव में ये पहली बार देखने में आया है, वैसे तो सन 27 से, जैसा आपका कहना है सन 27 से ये चल रहा है, लेकिन इस साल वाकई एक बड़े तादाद में लोग आने वाले थे क्योंकि 200 वर्ष पूरे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी आज खास जो चीज़ नज़र आई भीमा कोरेगांव की तैयारी के दौरान वो था कि न केवल दलित लेकिन और भी लोग उसके साथ जुड़ रहे थे। जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है देश के राजनीतिक हालात थोड़े से परिवर्तित हुए हैं और आप अगर दलित मूवमेंट की जो गति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी 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 सी बढ़ी है, उसकी सामाजिक गति बढ़ी है और राजनीतिक गति थोड़ी सी धीमी हुई है। दो तीनों को आप बड़े आराम से देखें कि बीएसपी का अगर यूपी में आप देखें तो दलितों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा कम हुआ है। तो दलितों में ये भावना तो उनके अंदर ये एक दर्द तो है कि उनका जो सोशल मूवमेंट है वो थोड़ा, अगर उनका पॉलिटिकल मूवमेंट धीमे पड़ रहा है तो उनका सामाजिक आंदोलन तो कम से कम आगे बढ़े, क्योंकि अगर दलित उत्पीड़न की जो घटना है जो बीजेपी कहती है कि 70 साल में ये नहीं हुआ और 50 मतलब हम ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है तो हम 4 साल की जिम्मेदारी क्या निभाए, वो कांग्रेस के ऊपर वो एक्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन दलित सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी से नाराज नहीं है, दलितों की एक नाराजगी का कारण ये भी है कि जो आरक्षित सीटें हैं और आरक्षित सीटों से जो चुने हुए लोग हैं जो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव बन के, चाहे वो आपका राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनसे भी उनकी नाराजगी है। क्योंकि आरक्षण का जो प्रावधान है, बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें आरक्षण के जो मंशा है, उस आरक्षण रखने आरक्षित सीटों की मंशा ये है कि ये वे लोग हैं कि जो कल दलितों के दर्द को लोगों के देश दुनिया के सामने रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे, राज्यसभा में रखेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दलितों की बात कम और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं दलितों में असुरक्षा की भावना पनपी है। दूसरी बात, पिछले 4 साल की है कि उसके पहले से ये नहीं, देखो ऐसा है ना, ये काम ऐसा नहीं है कि वो आज ही शुरू हो गया जी। कांग्रेस के समय भी ये घटनाएं घटी है और बीजेपी, लेकिन इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। आप अगर आंकड़े चेक करेंगे उसकी खास वजह क्या है? खास वजह देखो, सीधा सीधा सा,
देखो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके पीछे और उसकी सोच के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस खड़ा है, और दलितों का जो सामाजिक एजेंडा है वो बेसिकली उसकी जातीय व्यवस्था के खिलाफ है, और हिंदू धर्म पूरा का पूरा जातीय व्यवस्था पर आधारित है, और अगर आरएसएस उसकी जातीय व्यवस्था को बना के रखना चाहती है, तो दोनों विचारधाराओं में जब टकराव पैदा होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी जो टकराने की संभावना है वो ज्यादा हो सकती है। नुकसान दलितों को इसलिए हो रहा है कि इस देश में जो पॉलिटिकल जो ताकत है वो आज आरएसएस और हिंदूवादी व्यवस्था के हाथ में है। और 2 अप्रैल को जिस तरीके से पूरे मुल्क में अलग अलग जगह बगैर किसी नेतृत्व के एक दलित कहना चाहिए एक एक एक्सप्रेशन सामने आया है वो वाकई नहीं देखो ऐसा है ना कि जब से बीजेपी की सरकार आई है ठीक है ना, आप उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, और जैसे जैसे दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटी हैं चाहे वो रोहित मोमिला की हत्या हो ठीक है ना, आपने रोहित मोमिला की जैसे कल भी उनकी माँ का एक स्टेटमेंट है कि जिसको बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश करी है ठीक है ना, और रोहित मोमिला दलित हैं या गैर दलित हैं, बीजेपी इसको सिद्ध करने में लग रही है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, आप पा रहा हूं जो बंगारू जो दत्ते हैं दत्ता राय जो हैं, और एक रामचंद्रन जो लेबर मिनिस्टर हैं ठीक है ना, 3 लोगों के खिलाफ SC ST एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है ठीक। और बीजेपी जो है, अगर आज बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है अभी मार्च में जो डिसीजन आया है कि जिस SC ST एक्ट को डाइल्यूट किया है, इसी बीजेपी ने और इसी के स्टैंडिंग काउंसिल ने वहां सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा SC ST एक्ट में दर्ज हो जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आप उनको यह भी बताना चाहिए कि अगर रोहित वोमुला में 3 लोग वांछित हैं और उनके खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या वो 3 लोग गिरफ्तार हुए? वाइस चांसलर को चलिए हम सोचते हैं कि आप MP को नहीं हटा सकते, आपका पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाएगा, लेकिन जो अप्पा राव जो वाइस चांसलर है उसको तो आप हटा सकते थे, आपने उसको जबरदस्ती 10 दिन की छुट्टी पे भेजा, क्योंकि आरएसएस चाहता था, क्योंकि वो आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं है ना, और उसको मजबूर करने में उस वाइस चांसलर का उतना ही रोल है। तो आप दलितों के बीच में एक मैसेज करना क्लियर कि आपका कोई व्यक्ति मारा भी जाए हम किसी वाइस चांसलर को टच भी नहीं करना चाह रहे, तो इससे कहीं ना कहीं दलितों को असुरक्षित माहौल में ऐसा लगा कि उनके बीच में एक असुरक्षा की भावना पनपी। दूसरी बात कि जो 2 अप्रैल की जो घटना है उसमें दलित राजनेताओं को भी सीखना चाहिए, उसमें बीजेपी को भी सीखना चाहिए, उसमें कांग्रेस को भी सीखना चाहिए कि अब दलित ऐसा नहीं है कि आपने एक दलित के बारे में एक ट्वीट कर दिया या दलितों के बारे में कोई बयान दे दिया। जिस आदमी ने ये 2 अप्रैल का दलित आंदोलन चलाया वो निश्चित रूप से दलित आंदोलन की गहराइयों को जानने वाला व्यक्ति है, क्योंकि दलितों के जो आंदोलन है, दलित आंदोलन हमेशा टुकड़ों में पनपता है, क्योंकि दलितों में ये एक समस्या है कि उसमें अलग अलग संगठन के लोग हैं, अलग अलग संगठन में काम करते हैं लोग बाग, तो एक संगठन के लीडर दूसरे संगठन को स्वीकार नहीं करता। बाबा साहब महाराष्ट्र में बाबा साहब पूरे दलितों की के वो किस रूप में उसको स्वीकार करते हैं, उनको मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जब बाबा साहब ने RPI बनाई और महाराष्ट्र में RPI के इतने टुकड़े हुए, उसके बाद दलितों का एक संगठन है बामसेप, आज बामसेप के 16 टुकड़े हैं, तो संगठन बाद में पनपता है दलितों का, उसके टुकड़े ज्यादा हो जाते हैं। जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति ने ये 2 अप्रैल की घटना रखी उसने 2 चीजों का बड़ा अच्छे तरीके से जाना कि उसके पीछे कोई संगठन नहीं है, अगर इसके पीछे संगठन होता तो शायद ये आंदोलन इतना सफल नहीं होता, क्योंकि एक संगठन के लोग शायद दूसरे को, चाहे उनकी राजनीतिक मजबूरी हो या कोई और महत्वाकांक्षा हो, वो उसमें वहां जाता नहीं। दूसरी बात, उन्होंने जगह भी उसको डिसाइड नहीं करा, क्योंकि जगह डिसाइड करने से लोग ये पता कर सकते थे कि ये उस संगठन का काम है, तो उन्होंने उन सारी संभावनाओं को नकार दिया और 2 अप्रैल की घटना का, ये 2 अप्रैल का जो एक आंदोलन लगाया, और मेरे लिए एज ए दलित एक्टिविस्ट और दलित समाज में पैदा होने के लिए मेरे लिए ये बड़ी खुशी का विषय है कि आज़ाद भारत में, चाहे मीडिया इसको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आप इसकी तुलना करना कि आज़ाद भारत में बिना किसी संगठन के,
बिना किसी अपील के, अपील के, बिना किसी रिसोर्स के एक भूखे नंगे लोगों का 22 स्टेट का आंदोलन है, और जिस रूप में हुआ दुर्भाग्य ये रहा, दुर्भाग्य है ये। अगर ये, चूंकि इसमें जो विपक्ष हैं जो नहीं चाहते कि दलित मूवमेंट करे, दलितों की सामाजिक सोच पैदा हो, उन्होंने जानबूझ करके इसका हिंसक रूप बनाने की कोशिश करी। क्योंकि हमको इस बात का पक्का मालूम है और ये देश दुनिया को मालूम है कि किसी भी आंदोलन को, क्योंकि कोई भी आंदोलन अगर वो हिंसक हो जाए तो वो बहुत दूर तक नहीं चल सकता। वे ही विचारधारा बहुत दूरी तय करती हैं जिनमें हिंसा के पनपने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं इसमें। क्योंकि अगर आंदोलन करने वाले लोग हैं, 10 लोग इसमें आंदोलनकारी मारे गए, उसमें कुछ लोगों की वीडियो वायरल भी हुई कि वो पीछे से गोली चला रहे हैं, भारत सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि ये हिंसा किसने फैलाई है। तो कांग्रेस ने, जो आपकी पंजाब में सरकार है, वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, आपने इतनी व्यवस्थाएं तय कर दी है ना, और वहाँ कोई हिंसा नहीं पनपी। जहाँ इसकी भड़कने के सबसे ज़्यादा चांस हो सकते थे वो सारा का सारा पंजाब था, लेकिन पंजाब में हिंसा नहीं फैली, हिंसा वहाँ पनपी जहाँ बीजेपी की सरकार है। तो इसका मतलब सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करी। आप मुझे एक बात बताइए कि सोशल मीडिया, इसके पीछे कोई प्रचार प्रसार का साधन नहीं, किसी मीडिया ने कोई कहा हो कि भाई इस देश का भूखा नंगा दलित 2 अप्रैल को इकट्ठा हो रहा, एक सोशल मीडिया की ताकत के आधार पर लाखों करोड़ों अरबों लोगों तक सोशल मीडिया की आवाज जा सकती है, लेकिन सरकार तक वो आवाज नहीं गई। और अगर मैं, कुछ शहरों में अलग अलग लोगों ने, छोटे छोटे संगठनों ने जाकर के, कुछ लोगों ने अलग अलग जगह की परमिशन ली, अगर सरकार परमिशन दे रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये दलितों की जिम्मेदारी है। और इस देश में पहली बार ही आंदोलन हो रहा है, इस देश में भारत बंद अगर कोई करने वाली है तो बीजेपी है। आप उसके आंकड़े दिखा के देखो कि आपने जरा से पेट्रोल के ऊपर, आपने हवा पानी के ऊपर, आपने महंगाई के ऊपर, आपने कितनी बार भारत बंद किया? क्या दलितों का ये अधिकार नहीं है? देखो, एक सोसाइटी अब दो रूप में बढ़ रही है। जब से बीजेपी की राजनीति इस देश की व्यवस्था पे जो भारी पड़ी है, उसमें लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया कि एक तो वे लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, एक वो लोग जो हिंदुत्व से बचना चाहते हैं, ठीक है ना। कोरेगांव की घटना ने, चाहे वो मुस्लिम हो या उसमें और बहुत सारे अल्पसंख्यक हों या वामपंथी विचारधारा हो, उनको पास पास लाने का निश्चित रूप से एक काम किया है, ठीक है ना। मैं इस बात में बिल्कुल, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दलित मूवमेंट के लोगों को या जो भी दलित मूवमेंट के भविष्य के लीडर हैं, उनको इस बात के, मैं ये नहीं कहता कि आप, आपकी विचारधारा है, हर आदमी को किसी भी विचारधारा से जुड़ने का दे, लेकिन उनको बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी हम वामपंथियों के साथ जुड़े हैं तो हमारे बहुत सारे यूथ जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं, अब उनकी व्यवस्था क्या रही है, चाहे वो व्यवस्था से खराब रहे हों, पीड़ित रहे हों, मजबूरी रही हों, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो उस व्यवस्था से हट करके दूसरी व्यवस्था की तरफ गए हैं तो कहीं ना कहीं समाज का लॉस ही हुआ है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि ऐसा नहीं कि वामपंथियों से गलतियां नहीं हुई हैं दलित मुद्दे पर, ये तो वास्तव में हुई है, और इसके ऊपर बहुत एक समझदारी बनाने की भी ज़रूरत है कि गलती कहाँ कहाँ हमसे हुई है। इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने बतलाया, आज के दौर में जब हिंदुत्व का एक भय मंडराया हुआ है, वहाँ एक मजबूरी भी है, एक सोच में बदलाव लाने की एक मजबूरी भी है, और एक समझदारी भी पैदा है कि लोग दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ जाएगा, क्या रूप लेगा, वो तो देखने की बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों को और अतीत के इन तमाम जो अंतर्विरोध रहे उनको ध्यान में रखते हुए, आज की स्थिति में, आज की स्थिति में जहाँ दलितों का इस्तेमाल, मतलब राजनीतिक इस्तेमाल या उनका जिस तरीके से दंगों में जिस तरीके से उनको आगे रखकर काम करवाया गया, उनका इस्तेमाल हुआ, जो हमने अलग अलग जगह देखा भी है, इन सारे तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि आज 2018 में आपको क्या लगता है कि दलित समाज आज किस मुकाम पर खड़ा है, वो कहाँ तक उसका आत्मचिंतन, उसके खुद का जो अनुभव रहा है, उसे कहाँ तक, कहाँ पहुँचाया है, और वहाँ
जब हम बात करते हैं, आपने जो जिस बात का जिक्र शुरू में किया, आरएसएस की जो हिंदू धर्म और हिंदू जातिवाद के मुतल्लिक जो उनकी समझ है, वो समझदारी है कि उसको बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म का आधार ही वो है, उसको नज़र में रखते हैं, आपको क्या लगता है कि आज दलित समाज का चिंतन किस तरफ जाने की तरफ, मतलब उसका इशारा किस तरफ है? नहीं देखो, ऐसा क्या ये मुद्दा आज दोबारा इतने सालों के बाद केंद्र में वापस आएगा? मतलब एनाइलेशन ऑफ कास्ट का जो मुद्दा है वो क्या दोबारा केंद्र में आएगा? दलित जात छोड़ना चाहता है, और जो गैर दलित है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो और किसी भी संप्रदाय का हो, वो हिंदू नहीं है। आप इस देश में जो भी धर्म पनपे हैं, वो जातीय व्यवस्था, जैसे मुस्लिम्स को आप ले लें, मुस्लिम्स में जाति के लिए कोई कंसेप्ट नहीं, लेकिन अगर उसका भारतीय संस्करण देखेंगे तो वहां जाति व्यवस्था है। देखिए, एक चीज का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस नजरिए से लोग दलित मूवमेंट, दलित लीडरशिप, दलितों का जो सामाजिक आंदोलन है, उस नजरिए से चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और दूसरा दल हो, इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो, उनको दलितों को बहुत इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दलित जो मूवमेंट है वो भावनात्मक नहीं है। कि अगर मैं कर्नाटक के चुनाव की बात करूं, कर्नाटक के चुनाव में जब ये सारे आंदोलन हो रहे हैं, और अगर दलित भावनात्मक रूप से वोटिंग करेगा तो उसको बीजेपी को हटाना है, बीजेपी के खिलाफ उसका एजिटेशन है पूर्ण तरीके से, क्योंकि बीजेपी की जो दमनकारी व्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ है। लेकिन उस दलित ने सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर ना कर करके, जहां उसके अपने सामाजिक एजेंडा और उसकी अपनी विचारधाराओं की, जैसे उसमें बीएसपी भी हो सकती है, बीएसपी का जो राजनीतिक गठजोड़ है वो आपका जनता दल एस है, ठीक है ना। तो दलित बड़ी समझदारी से वोटिंग कर रहा है, इतना सस्ते में नहीं होगा कि उसने 30 साल तक कांग्रेस को भी वोट दिया। ऐसा नहीं है कि आज जो है, जैसे देखो, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उसकी सोच में भी परिवर्तन आएगा। आजकल आपके पास नेट है, एक 10 साल का भी बच्चा 60 साल का नॉलेज ले सकता है, ये एजलेस सोसाइटी है। कांग्रेस को, बीजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब लोगों को आप बहुत दिन तक, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़ा मूलभूत सा सवाल है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर और राहुल गांधी रोज दलितों की बात करते, अच्छी बात है, उनको करनी चाहिए। अगर बीजेपी के लोग नहीं करना चाह रहे तो कम से कम राहुल गांधी उस बात को रख तो रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के 10 पद जो भारत सरकार ने विज्ञापित किए हैं, वो एक नई परिपाटी है। इस देश में एक नई परिपाटी शुरू होने जा रही है कि अगर भारत सरकार का ये नियम है कि अगर 45 डेज से ज्यादा आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस की नियुक्ति करते हैं, आपको रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यही कांग्रेस अगर 10 लोगों की नियुक्ति होती है, और यही कांग्रेस रात को 2 बजे कर्नाटक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, चूंकि आपको सरकार बनानी है, लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, इसको लेकर के रेजिटेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस भी ये नहीं चाहती कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन उस रूप में बढ़े। डॉक्टर साहब, अब अगर हम उस प्रश्न पर आए तो आप जो बात मैंने उठाई कि आपको क्या लग रहा है कि जो कास्ट एनाइलेशन का जो सवाल है, ये सबसे अहम सवाल है, ये सबसे अहम सवाल है। वही देश मजबूत होते हैं कि जहां आपकी समानता की बात हो, और जाति जो है वो असमानता को बढ़ाती है। दलितों को भी इस पे बड़ा गहनता से विचार करना चाहिए, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अगर बाबा साहब ने जो कंसेप्ट इस दुनिया में रखा, उसके लिए उन्होंने एक सबसे बढ़िया रास्ता भी, इंटरकास्ट मैरिज। इस देश में चाहे वो राजनेता हो या पॉलिटिकल लोग हों, उनको एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे, और दलितों को भी इस पर बड़ी गहनता से विचार करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि दलितों का भी एक व्यवहार है। हाँ, पर डॉक्टर साहब देखिए, वो साथ बैठ के खाना, हाँ, और शादी ब्याह, वो तो एक चीज़ है, हाँ, वो तो एक सामाजिक सुधार का एक रास्ता है, लेकिन जो जाति का मामला है वो तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है ना।
आपके हिसाब से जिस तरह आज समाज में सुखबुगाहट चल रही है दलित समाज में, वो उस तरफ उसको ले जा रही है कि उस दिशा में बहुत ज्यादा सोचा नहीं जा रहा है? देखो ऐसा ना कि देखो अब दिक्कत क्या है ना कि जातीय पायदान के निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, जाति को खत्म नहीं कर सकता ना। जाति अगर खत्म होगी तो जो ऊपर के पायदान पे जाति पे खड़ा है जब तक वो जाति नहीं छोड़ेगा, निचले पायदान वाले की बात नहीं सुन सकता कोई भी। अगर दलित है तो लोगों को मालूम है कि दलित इसलिए जाति छोड़ना चाहता है कि वो जाति पायदान पे नीचे नहीं, तो हमने तो ये सुना है कि जो पायदान लेकर खड़ा है नीचे, वही तो पूरा उलट सकता है। नहीं, उलट सकता है तो उस लिहाज से देखें, ऐसा ना कि जातीय, देखिए दलित जो है वो सामाजिक मूवमेंट कर सकता है, वो मांग कर सकता है। जाति छोड़ने की मांग दलित कर सकता है और कर भी रहा है, लेकिन जाति छोड़ने की अगर जिम्मेदारी है तो वो ब्राह्मण या उससे ऊपर जो जातीय पायदान पर लोग, नहीं ये सबकी जरूरत है, वो उनकी जिम्मेदारी, नहीं ये सबकी जरूरत है। दलित की प्रमुख भूमिका होगी इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही भुगत रहे हैं। देखो ऐसा ना, आप देखो, अधिकार है। हाँ। एक आदमी तो मांगने वाला है और एक आदमी देने वाला है। जाति व्यवस्था को कौन बना के रखना चाहता है? जाति व्यवस्था को संभाल के रखने की जिम्मेदारी उन लोगों के हाथ में है कि जो जातीय व्यवस्था के उपले पायदान पे खड़े हैं, ठीक है ना। और दलित का दर्द यही तो है कि वो जाति व्यवस्था के निचले पायदान पे खड़ा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, चंद्रशेखर, अभी जो आपकी सब्बीरपुर की घटना हुई जिसको भीम आर्मी के रूप में लेते हैं, चंद्रशेखर का एक कंसेप्ट आया जाति कैसे टूटेगी। उनको जिन शब्दों से घृणा हुआ करती थी, अगर सामने वाला उन शब्दों को प्रयोग करता था उसको गाली लग देती थी। चंद्रशेखर का द ग्रेट चमार लिखना और दलितों का अपनी जाति को स्वीकार कर लेना और ये कहना कि दलित भी ग्रेट है, चमार भी ग्रेट है, कहीं ना कहीं वो उस व्यवस्था को नकार रहे हैं। द ग्रेट चमार का जो कंसेप्ट है या दलितों कि जो अपनी जो कल्चर है उसको वो बहुत बड़े रूप में दिखाने की जो उनकी इच्छाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के ब्लैक आंदोलन से आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो ब्लैक्स का जो आंदोलन है वो पूरा आंदोलन उनके जो दुखों का कारण है उनका ब्लैक कलर है। लेकिन जब उनको लगा कि वाइट जो है उनके अधिकारों को छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने वहीं पर, अगर वहाँ अमेरिका की सोसाइटी में अगर व्हाइट ब्यूटी कोई कंसेप्ट है तो ब्लैक्स ने जो है वहां पे ब्लैक ब्यूटी एक कंसेप्ट, यानी कि उस एक पैरेलल व्यवस्था के साथ बड़ी पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत के लिए। आपसे और भी बातचीत होगी और आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आज के लिए धन्यवाद। श्रोताओं को कैसा लगा इसके बारे में हमें लिखें या ईमेल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।